दसवीं क्लास का हिंदी पढ़ रहे हैं। क्षितिज भाग दो गद्य खंड का पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विकल्पी प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता संग्रह है। पठिक गुलाबों का देवता, अंधेरे में जंगल का दर्द। तो इसका सही उत्तर है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता संग्रह है जंगल का दर्द। फिर है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक गद्य की किस विधा के अंतर्गत आती है। निबंध, कहानी, संस्मरण या आत्मकथा। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक आता है संस्मरण विधा के अंतर्गत। फिर है प्रश्न कि फादर कामिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ था। तो फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। वात्सल्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है, वात्सल्य का शाब्दिक अर्थ है कि बच्चों के प्रति प्रेम। वात्सल्य का मतलब होता है छोटे बच्चों से ममत्व, स्नेह, प्रेम। फिर है प्रश्न कि फादर कामिल बुल्के की विशेषता थी हंसमुख स्वभाव के प्रति प्रेम व ममता, क्रोध करना, असहिष्णुता या ईर्ष्या करना। तो इसका सही उत्तर है कि हंसमुख स्वभाव के प्रति प्रेम, प्यार व ममता, यह थी फादर कामिल बुल्के के स्वभाव की विशेषता। अब आगे और देखेंगे। फिर से रिक्त स्थान चुनकर लिखिए सही उत्तर। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खालिस्तान पत्रिका के संपादक थे। कौन सी पत्रिका के संपादक थे सर्वेश्वर दयाल जी? पराग पत्रिका के संपादक। फिर है दूसरा कि मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जाने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस रूप में जाने जाते हैं? मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक। फिर आगे का प्रश्न कि लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक याद किया जाएगा। किसको याद किया जाएगा? जब तक राम कथा है तब तक विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। फिर फादर को याद करना एक उदास खालिस्तान को सुनने जैसा है। उत्तर है फादर को याद करना उदास सा संगीत को सुनने जैसा है। फिर आगे प्रश्न है कि फादर के एक सन्यासी थे परंतु खालिस्तान में नहीं थे। उत्तर है कि फादर बुल्के पारंपरिक अर्थ में साधु थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। अब आगे सही जोड़ी बनाएंगे। सबसे पहला है जहर बाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। जहर बाद एक प्रकार एक तरह का फोड़ा होता है जिसको गैंग्रीन बोलते हैं, जो असाध्य बीमारी है। तो
ये जहरवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यंजनी। फिर ये दूसरा राम कथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध है फादर दुर्गे। फिर सक्सेना जी की भाषा सरल सहज और लोक भाषा पर आधारित। फिर है परिमल। परिमल क्या है? एक साहित्यिक संस्था है। फिर ब्लू बर्ड का नील पक्षी क्या है? हिंदी में रूपांतरण। अब है सत्य और असत्य। तो फादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश उनकी महत्वपूर्ण देन है। यह है सत्य। फिर 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे फादर बुल्के का निधन हो गया था। यह कथन भी सत्य है। फिर है मानवीय कर्मा की दिव्य चमक की लेखिका महादेवी वर्मा है। यह कथन असत्य है। इसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना। फिर है आगे प्रश्न की भो सक्सेना जी का बाल साहित्य है। यह भी कथन सत्य है। फादर कामिल बुल्के भारतीयता में रच बस गए थे। यह कथन भी सत्य है। अब है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है दिनमान का उपसंपादन किसने किया था? तो दिनमान का उपसंपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उपसंपादन किया था दिनमान का। फिर सक्सेना जी की रचनाओं में कहाँ की परंपराओं का अध्ययन है? तो सक्सेना जी की रचनाओं में ग्रामीण जीवन की परंपराओं का अध्ययन है। ग्रामीण जीवन की परंपराओं का। फिर है प्रश्न कि फादर बुल्के की मृत्यु का कारण क्या था? तो फादर बुल्के की मृत्यु का कारण गैंग्रीन था, जो एक जहरीला फोड़ा होता है। फिर प्रश्न है कि फादर बुल्के का अंतिम संस्कार किस फादर ने करवाया? तो फादर बुल्के की का अंतिम संस्कार रांची के फादर पास्कल टोएना। पास्कल फादर पास्कल टोएना ने करवाया था। ये कहाँ के थे? रांची से आए थे। अब है किसको वृक्ष के समान कहा गया है? तो फादर बुल्के को वृक्ष के समान कहा गया है। अब है कि मानवीय कर्मा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर बुल्के संन्यास संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। तो फादर बुल्के ने जीवन भर सन्यासी रहने का संकल्प तो अवश्य लिया था, परंतु मन से वे सन्यासी नहीं थे। उनमें अपनों के प्रति गहरा लगाव था और प्रेम का स्नेह। इस कारण वे अपने मित्रों से मिला करते थे और उनके जीवन में गहरी खुशी लिया करते थे। लेखक के घर में कोई उत्सव हो, वे सब में सम्मिलित।
आगे प्रश्न कि फादर पुलके की जन्मभूमि कहाँ थी और उनके अपनी जन्मभूमि के प्रति क्या भाव। तो फादर पुलके की जन्मभूमि थी रेम्स चैपल। वे अपनी जन्मभूमि से बहुत गहरा लगाव रखते थे, प्यार करते थे और वो लिखते भी थे कि मेरी जन्मभूमि बहुत सुंदर है। फिर है प्रश्न की भारत में आकर फादर ने किस किस क्षेत्र में अध्ययन किया और विशिष्ट योग्यता के आधार पर उनकी उपलब्धियां क्या थी। तो भारत में आकर फादर ने रामकथा पर शोध कार्य किया। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन का कार्य किया। उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अंग्रेजी हिंदी कोश। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश की भी रचना की। अब ये प्रश्न की फादर कामिल पुलके कितने समय तक भारत में रहे और कितनी उम्र में हम सभी को छोड़कर विदा हुए। उन्होंने भारत में कहां पर रहकर अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया था। उत्तर है कि फादर कामिल पुलके 47 वर्षों तक भारत में रहे। ये आपका एक वाक्य रिक्त स्थानों आदि में प्रश्न आ सकता है कि फादर कामिल पुलके कितने वर्षों तक भारत में रहे। तो 47 वर्षों तक कामिल पुलके भारत में रहे और 73 वर्ष का जीवन पूर्ण कर वह इस दुनिया से विदा हो गए। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में रहकर अपना अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया। फिर ये प्रश्न कि फादर कामिल पुलके भारत में कितने वर्ष रहे, उनका देहांत कब हुआ और हिंदी भाषा में उनका योगदान क्या था। इस प्रश्न को दूसरी तरह से घुमा कर देखिए। इसका उत्तर भी वही है कि कामिल पुलके 47 वर्षों तक भारत में रहे, 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ और हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनको सबसे बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेजी हिंदी कोश। मानवीय करुणा की दिव्य चमक कौन थी, यह विशेषता यह विशेषण उनकी किन विशेषताओं का व्यंजक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक के द्वारा फादर कामिल को याद किया गया। उनका जीवन करुणा प्रेम वात्सल्य से भरा हुआ था और वे जिस भी मित्र से मिलते थे उससे हमेशा प्रेम और वात्सल्य और स्नेह दिया करते थे और उनके सुख दुख और पारिवारिक उत्सवों में भी बड़ी आत्मीयता से भाग लिया करते थे। वह किसी को भी दुखी देखकर उसे भरपूर सांत्वना और फादर कामिल पुलके जिसेट संघ से किस कारण संबद्ध रहे और दार्जिलिंग में वे कितने वर्षों तक अध्ययन रहे। फादर कामिल पुलके ईसाई पादरी के रूप में भारत आए थे और उन्होंने जिसेट संघ में रहकर 2 वर्ष तक ईसाई धर्म का प्रचार ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। वे 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर उन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया। अब है कि हिंदी को लेकर फादर कामिल पुलके क्यों चिंतित थे। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होते देखना चाहते थे फादर कामिल पुलके। हिंदी बोलने वाले लोग ही जब हिंदी के बारे में बाधा डालते थे तो उन्हें बहुत दुख और कष्ट होता था। वे हर पल हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए चिंतित रहा करते थे। परिमल के बारे में आप क्या जानते हैं, इस संदर्भ में लेखक को फादर पुलके क्यों याद आते हैं। परिमल जो एक साहित्यिक संस्था थी जिसे 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के उत्साही साहित्य कृतकों ने शुरू किया था और यह संस्था एक आत्मीय
आदमी परिवार जैसी थी जिसमें फादर कर्नल बोलते इस साहित्यिक परिवार के पूर्वज जैसे थे और वे सभी के साथ बहुत ही प्रेम और आत्मीयता और ममता वात्सल्य पूर्ण व्यवहार करते थे। लेखक के घर में जब शिशु का जन्म हुआ तो फादर कर्नल बुल के बड़े ही प्रेम वात्सल्य पूर्वक उनके घर में उपस्थित रहे और शिशु के मुख में अन्न डालकर उस शिशु का अन्न प्राशन संस्कार भी फादर कर्नल बुल ने किया। अब ये प्रश्न कि फादर कर्नल बुल के पूर्वा ने बचपन में ही घोषणा क्यों की कि यह लड़का तो हाथ से चला। इसका उत्तर है कि फादर की मां ने बचपन में ही उनका सन्यासी होने की इच्छा को भांप लिया होगा, इसीलिए उन्होंने यह घोषणा करी होगी कि अब यह लड़का तो हाथ से चला। फिर ये प्रश्न की प्रमाणित कीजिए फादर भारतीय जनजीवन में रच बस गए थे। फादर भारतीय जनजीवन में कार्य करने आए थे और यहाँ आकर वे पूरी तरह भारतीय बने। उन्होंने ईसाई पादरी की तरह केवल अपने धर्म का प्रचार नहीं किया बल्कि इस धरती की मूल संस्कृति को समझा और जाना। वह उस पर मुग्ध हो गए, उस पर जीवन लगाया। उन्होंने यहाँ की भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने और उसे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उनके द्वारा रचित अंग्रेजी हिंदी कोश आज भी सबसे प्रमाणित है। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को कोमल रूप से अपनाया, यहाँ के उत्सव और संस्कारों में रुचि ली। उन्होंने रामकथा पर शोधकार ग्रंथ भी लिखा और उनके सबसे गहरे भारतीय ही थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फादर कर्नल के भारतीय जन जीवन में रच बस गई। अब है क्या आप फादर कर्नल बुल के को भारत का रत्न कह सकते हैं? तो उत्तर है कि फादर कर्नल बुल के निश्चित रूप से रत्न थे। वे प्रतिभाशाली थे और समर्पित थे, करुणापूर्ण थे, गरिमापूर्ण थे, वात्सल्यपूर्ण थे। अब प्रश्न यह उठता है कि वे भारत के रत्न थे या नहीं? तो निश्चित रूप से वे भारत के रत्न थे। उन्होंने स्वयं को भारत का माना। उनका वचन है कि अब तो मेरा देश भारत ही है। वे भारत आने के बाद भारत के होकर ही रहे। उनके उसके विकास के लिए दिल दिल चले। उन्होंने भारत का अध्ययन किया और यहाँ की भाषा को समृद्ध किया और वे सचमुच में ही भारत के रत्न थे। अब है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर बुल के संकल्प से संन्यास के मन से तो कामिल बुल के ईसाई पादरी बनकर घर गृहस्थी संन्यास तो उन्होंने ले लिया था, परंतु उनके मन में अपनों के प्रति दया, प्रेम और आत्मा से गहरा लगाव था। सांसारिक लगाव संन्यासियों का लक्षण नहीं है, परंतु फादर बुल के लेखक के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति और अन्य पक्षियों से उनका गहरा स्नेह। वे लेखक को गले लगा कर मानते जन्म मृत्यु जैसे समारोह में पूरे स्नेह भाव से सम्मिलित होते थे। अब ये प्रश्न की प्रस्तुत पाठ में लेखक क्या संदेश देना चाहते थे स्पष्ट करें। तो लेखक फादर कर्नल बुल के अनुकरणीय चरित्र से परिचय कराकर वर्णन करना, भारतीयता की महानता अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति उत्तरदायित्व और गौरव का संदेश देना चाहते थे। वह बता देना चाहते थे कि विदेश से आकर एक व्यक्ति तैयार करूँगा और ममता का जब हमें फिर से इन बातों को याद कराता है जिसे भारतीय क्या हो चुके थे।